आपको कोऑर्डिनेशंस नंबर बताने जा रहे हैं। कोऑर्डिनेशंस नंबर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर कुछ ऑब्जेक्टिव भी बताएंगे। कोऑर्डिनेशंस नंबर है क्या? एक सिंपल आप एक एग्जांपल देते हैं, K4FeCN का होल सिक्स, ठीक है। यदि आपके पास CN मोनो डेंटेड लिगेंड है, एमिडेंटेड लिगेंड है, मोनो डेंटेड लिगेंड का मतलब हो गया एक बार में एक ही एटम दोनों एटम का काम करता है, ऐसे एमिडेंटेड लिगेंड है। लेकिन इसको लिखिए मोनो डेंटेड लिगेंड। तो मोनो डेंटेड लिगेंड के समान है एमिडेंटेड लिगेंड भी, क्योंकि कार्बन डोनर करेगा तो नाइट्रोजन नहीं। तो यहां पे समझाना ये चाह रहे हैं कि ज्यादातर एग्जांपल आपके पास मोनो डेंटेड लिगेंड ही आएगा, ज्यादा एग्जांपल कैसा आएगा मोनो डेंटेड लिगेंड। अब इन मोनो डेंटेड लिगेंड में यदि रहेगा तो एक सिंपल है, जितना आपके पास लिगेंड रहेगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर उतना होगा। आपके पास लिगेंड कितने हैं? 6 हैं। तो ये आपके पास हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6। तो एम्बिडेंटेड लिगेंड है, लेकिन एम्बिडेंटेड लिगेंड में एक बार में एक ही एटम डोनेट करता है, तो इसको एक मोनोडेंटेड लिगेंड का समझाना चाह रहे हैं कि इस तरह के ज्यादातर एग्जांपल मोनोडेंटेड लिगेंड होंगे। तो आपके पास जितने लिगेंड होगा उतना कोऑर्डिनेशन नंबर बता दीजिएगा। नहीं, कोऑर्डिनेशन नंबर कहते किसे हैं बताइए? आपके पास यहां पे सेंट्रल एटम कौन है? Fe। और इन सेंट्रल एटम के चारों लिगेंड कितने हैं? 6 हैं। तो 6 लिगेंड है और हर लिगेंड को कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो 1CN, 2CN, 3CN, 4CN, 5CN एंड 6CN। तो इसके कोऑर्डिनेशन नंबर आप 6 कहेंगे। हम पूछेंगे कि K4FeCN का होल 6 में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो आपसे पूछने पे आप बताइएगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हैं, तो क्या बोलेगा? 6 है। तो इसके साथ साथ आप ये ध्यान दीजिएगा, जो लिगेंड है लिगेंड सेंट्रल मेटा के चारों घिरा रहता है, सेंट्रल मेटा बीच में क्या रहेगा? सेंट्रल मेटल, और उसके सराउंडेड चारों तरफ क्या रहेगा? लिगेंड रहेंगे। जब भी आपके पास सेंट्रल मेटल के चारों तरफ क्या घिरा रहता है आपसे पूछा जाएगा, तो आप क्या जवाब दीजिएगा? चारों तरफ क्या घिरा रहता है? लिगेंड। लिगेंड, यही लिगेंड, और जितना लिगेंड उतना कोऑर्डिनेशन नंबर। तो सिंपल आपको सुनने में लग रहा है कि लिगेंड जितना उतना कोऑर्डिनेशन नंबर, ज्यादातर यही होगा जितने लिगेंड उतने कोऑर्डिनेशन नंबर। इसके पास 6 लिगेंड तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6, लिगेंड 5 तो कोऑर्डिनेशन नंबर 5। लेकिन ऐसा कभी कभी तब नहीं होगा जब आपके पास मोनोडेंटेड लिगेंड आ जाएगा। यदि मोनोडेंटेड लिगेंड आ जाएगा तो उसमें डिफरेंट हो जाएगा, इसलिए आप क्या कीजिएगा उसके लिए, आइए बताते हैं। एक एग्जांपल आपको दे रहे हैं, CO EN का होल 2 और Cl2। पिछले क्लास में आपको बताए थे कि EN बाय डेंटेड लिगेंड है, इसका नाम बताए थे इथाइलिन डायमिन। क्या बताए थे? इथाइलिन डायमिन कैसा लिगेंड है? बाय डेंटेड लिगेंड है। अब इस बाय डेंटेड लिगेंड की बात कीजिए, तो जब बाय डेंटेड लिगेंड है तो ये आपके पास ये मोनोडेंटेड लिगेंड है, ये क्या है? मोनोडेंटेड लिगेंड है, और ये क्या है? बायडेंटेड लिगेंड है, बायडेंटेड लिगेंड। तो बताइए सर, यहां पे जब इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेगा तो जो बायडेंटेड लिगेंड है उसको डबल करना पड़ेगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर मोनोडेंटेड लिगेंड 2 रहेगा, तो आपके पास 4 + 2 = कितना हो गया? 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। इसकी भी कोऑर्डिनेशन नंबर आप देखना चाहते हैं 6 कैसे हुआ, एक स्ट्रक्चर बनाइए और इस स्ट्रक्चर में आप सेंटर मेटल क्या लिए हैं? CO। चलिए, सभी का सेंटर मेटल हम CO लेने जा रहे हैं। देखिए CO ले लिए। अब बताइए
ये सभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड दर्शा रहे हैं। EN इथाइलिन डायमिन कैसे लिखते हैं? NH2 और CH2 इसी करके इथाइलिन डायमिन, ये डोनर एटम है, वैलेंट लिगेंड इधर भी डोनेट, इधर भी डोनर करता है। फिर एक इथाइलिन डायमिन, इसलिए वैलेंट लिगेंड दो डोनर एटम है, फिर NH2 फिर यहां पे हम CH2 और CH2 कर देते हैं, यहां पे वैलेंट लिगेंड है, यहां पे क्लोरीन, यहां पे क्लोरीन। तो आपने देखा कि यहां पे आपके पास वैलेंट लिगेंड आपके पास 2 है तो 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, और यहां पे मोनोडाइट लिगेंड 2 है तो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया। तो वैलेंट लिगेंड में जब भी आपको डबल कर देना होगा तो उसमें 4 इसके लिए 4 हो जाएगा और इसके लिए 2 हो जाएगा, 4 तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये सिंपल ऐसा क्या चीज बोले सर, मान लीजिए कि ऐसा एग्जांपल आपके पास 100 में 1-2 वो आएगा, लेकिन इसमें बताइए आपको जवाब तो जिस समय पूछा जाएगा उसमें सही कोऑर्डिनेशन नंबर बताएगा कि नहीं। तो इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, यह देखिए कि यदि हम बता दें कि सेंट्रल मेटल के साथ जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा उसका उतना ही कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, ये कहने से ये साबित हो गया कि मोनोडेंटेड हो या बाइडेंटेड हो उससे मतलब नहीं, सेंट्रल मेटल से जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा उसका कोऑर्डिनेशन उतना होगा। तो जैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोल लीजिएगा ये सभी जगह ये 2 हो जाएगा, कहीं गलत नहीं होगा। तो एक और एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल बाइडेंटेड लिगेंड को लेके बता रहे हैं, जैसे K3 आपके पास Cr C2 ऑक्सीडेट आयन C2O4 का होल 3 कैपिटल ब्रैकेट। अब बताइए ये जान रहे हैं कि कैसा है बाइडेंटेड लिगेंड है, कैसा लिगेंड है बताइए, बाइडेंटेड लिगेंड है। तो ऑक्सीडेट आयन बाइडेंटेड लिगेंड है, तो अब बताइए लिगेंड कितने हैं, 3 है, तो आपके कोऑर्डिनेशन में कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। बोलिए क्यों, क्योंकि सेंट्रल मेटल के साथ ये बाइडेंटेड लिगेंड है 3, अब बाइडेंटेड लिगेंड 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आप कितना बताइएगा, 6। तो 6 कैसे हुआ, 3 लिगेंड है सब बाइडेंटेड लिगेंड है इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6। तो ये आपके पास, तो आप सिंपली आपके पास मोनोडेंटेड लिगेंड ही ज्यादा रहेंगे और उसे पता चल जाएगा कि इसकी कोऑर्डिनेशन में 6 है, किसका 4 है, 5 है, 2 है, 3 है, 5, 6, जो भी है कोऑर्डिनेशन नंबर आपको आराम से पता चलेगा। लेकिन बाइडेंटेड लिगेंड आ जाएगा तो कंफ्यूज कर जाएगा, कंफ्यूजन न रहे इसलिए आपको यह बोलना होगा कि एक्चुअली सेंट्रल मेटल के साथ जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे उसका कोऑर्डिनेशन में उतना ही होगा, उसमें मोनोडेंटेड हो या बाइडेंटेड हो ऑलवेज राइट हो जाएगा। तो आप बताइए कोऑर्डिनेशन नंबर किसे कहते हैं, पूछने पे बताइएगा, नंबर द नंबर ऑफ लिगेंड डोनेटर, नंबर ऑफ लिगेंड डोनेटर, ये सब नंबर ऑफ लिगेंड डोनेटर, नंबर ऑफ लिगेंड डोनर एटम टू द किसके पास, टू द सेंट्रल मेटल, टू द सेंट्रल मेटल आयंस डायरेक्टली बॉन्डेड इज कॉल्ड, उसे जुड़ा रहेगा डायरेक्टली बॉन्डेड टू कॉल्ड द, उसे क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। लेकिन इस समय यह बात कंफ्यूजन तब आ जाएगी कि जब आप लिगेंड सेंट्रल मेटल से अटैच्ड है उसको कोऑर्डिनेशन नंबर आप कह रहे हैं, तो उसके साथ यदि बाइलेटरल लिगेंड आ जाएगा तो लेगा ये भी लिगेंड है, ये भी लिगेंड है, इसलिए इसमें आपको एग्जैक्ट जोड़ना पड़ेगा कि जितने सेंटर मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, इसलिए एक्स्ट्रा लिख दिए हैं, इट इज एक्चुअली द टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड आर फॉर्मड बोथ सेंट्रल मेटल एटम या आयन, किसी सेंट्रल मेटल एटम या आयन के साथ जितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा उतना ही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा। तो ये ऑलवेज हर कंडीशन से होगा, लेकिन आप याद रखिएगा EN ऑक्सीडेट आयन यही दो ज्यादातर आपको सिलेबस में बाइलेटरल लिगेंड में यूज होंगे, तो जब भी ऐसा लिगेंड आएंगे इसको आपको डबल कर लीजिएगा तो आपको 4-6 आपको डायरेक्ट आ जाएगा, ये 3 है तो यहां 6 हो जाएगा। यदि मोनोडेंटेड लिगेंड रहेगा फटाफट जितना लिगेंड उतने कोऑर्डिनेशन में बोल दीजिएगा, इससे आराम से रहेगा। लेकिन आप जान लीजिए कि सेंटर मेटल से जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे उतना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे कुछ ऑब्जेक्टिव देते हैं, देखिए द नंबर ऑफ, एक ऑब्जेक्टिव देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, द नंबर ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स अभी बताएं बहुत सारे लिगेंड है न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, जैसे अमोनिया हो गया, H2O हो गया, ये सब न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है, किसी पे कोई चार्ज नहीं है, लेकिन ये लिगेंड है,
या नहीं तो आपने CN- माइनस या निगेटिव ग्रुप CN- माइनस ये निगेटिव ग्रुप आ गया, तो जो निगेटिव CN- माइनस ये निगेटिव ग्रुप आ गया, तो जो भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो या निगेटिव ग्रुप वाले को हो, जो भी आपके पास लिगेट हो, तो द नंबर ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल और निगेटिव ग्रुप जो लिगेट होगा अटैच टू किससे, सेंटर मेटल एटम से, इन्हें कॉम्प्लेक्स आयनिक कॉल उसे क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। पिछले दिन आपको याद कीजिए ईडीटीए बताए थे, इथाइलीन डायमीन टेट्रा एस्टेट, और इसका स्ट्रक्चर बताए थे इथाइलीन डायमीन टेट्रा एस्टेट का 4 नेगेटिव चार्ज था और 2 एमीन के पास एनएन के पास लॉन्ग प्रोटॉन था, बताए थे टेट्रा नेगेटिव हेक्साडेंटेट लिगेंड बेस्ट एग्जांपल दिए थे, याद कीजिए ऑब्जेक्टिव बताया था ईडीटीए इथाइलीन डायमीन टेट्रा एस्टेट, और ईडीटीए एग्जाम में कंपटीशन में कितनी बार पूछे गए हैं, ईडीटीए हैज अ कोऑर्डिनेशन नंबर, ईडीटीए का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो किसी सेंटर मेटल के पास 4 नेगेटिव और 2 लोन प्रोटॉन पहुंचेगा तो 6 एटम यहां पे अगर 6 कोऑर्डिनेट बम बनाएगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना हो जाएगा 6। पहले बताए थे टेट्रा नेगेटिव हेक्साडेंटेट लिगेंड है ये, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ प्लैटिनम, तो प्लैटिनम कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए, लिगेंड कितने हैं, सब आपको ज्यादातर देख रहे हैं मोनोडेंटेट लिगेंड है, ये न्यूट्रल वाला है, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, सिंपल है तो 6 जहां पे वन लिख दीजिए। बाइडेंटेट लिगेंड में हम बताए थे EN C2O4 ये जो ऑक्सीडेंट है ये सब कुछ बाइडेंटेट लिगेंड होंगे, तब आप उसका डबल कीजिएगा, नहीं तो आप जैसे लिगेंड देखेंगे तुरंत कोऑर्डिनेशन नंबर पकड़ा जाएगा। देखिए आप कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए इसका, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एपी इन द कॉम्प्लेक्स, ये सब कंप्रेस कंपाउंड तीन तीन दिया हुआ, तीनों कोऑर्डिनेशन नंबर देखिए, सब ये सभी मोनोडेंटेट लिगेंड सिंपल है तो 6 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 4, चॉइस देखिए 6 6 4 कहां लिखा हुआ है, 6 6 4 यहां लिखा हुआ है, सब कोऑर्डिनेशन कितना सिंपल है, बाइडेंटेट लिगेंड रहेगा तब आप डबल करते हैं, नहीं तो आप सिंपल जैसे मोनोडेंटेट लिगेंड है सिंपल जितना लिगेंड उतना कोऑर्डिनेशन नंबर आराम से बनाइए। कुछ और ऑब्जेक्टिव देखिए, नेक्स्ट देखिए आगे आपको 15 नंबर का ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, आपको द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर, देखिए आप लोग ऑक्सीडेशन नंबर का चैप्टर ही आप 11 पढ़े होंगे, उस समय बताए थे ऑक्सीडेशन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही नहीं इन ऑर्डर की मेनी मेनी रिएक्शंस को बैलेंस करने तक बहुत अच्छा लिखने तक ऑक्सीडेशन नंबर का बहुत बड़ा रोल है, आप लोग जानते होंगे तो बहुत अच्छी बात, नहीं जानते हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर भी हम कुछ आपको सिखा देंगे जो आगे आपको कंफ्यूजन ना हो, ये ऐसा हम कर देंगे ठीक है, इसमें आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर को हम बताएंगे आप लोगों को, लेकिन अभी हम हल्का सा इसमें ऐड किए हैं कि द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन इन द कॉम्प्लेक्स, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है इसमें सेंट्रल मेटल का आपको दो चीज बताना है, एक तो कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है एक ऑक्सीडेशन नंबर बताना है, तो EN का ऑक्सीडेशन नंबर आपका 0 होता है इसके चार्ज के बराबर होगा, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा चार्ज के बराबर तो +2, ये तो हम बता दिया ऑक्सीडेशन नंबर, सिखाएंगे फिर से, और जो बहुत जानते हैं जिसको हम बताए हैं वो लोग जान रहे हैं तो आप बहुत अच्छी बात, जो नहीं जान रहे हैं जो जान रहे हैं वो रिविजन कीजिएगा, जो नहीं जान रहा है वो सीखिएगा, ऑक्सीडेशन नंबर बताना जरूरी है जानने के बाद भी, ऑक्सीडेशन नंबर ये कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर बाइडेंटेट लिगेंड है बताया था ना, बाइडेंटेट लिगेंड 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके बाइडेंटेट लिगेंड कर रहेगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा इसका 2 into 2 कितना हो जाएगा 4, और आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया 2, ये आंसर सिंपल, बहुत आप प्रैक्टिस कीजिए सब पर कोऑर्डिनेशन नंबर, एंड देखिए इसमें भी जोड़ दिया ऑक्सीडेशन नंबर को ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहते हैं, और एलिमेंट कौन है आयरन कोबाल्ट निकेल कॉपर जिंक क्या है पता नहीं, ई मान लिया एलिमेंट इन द कॉम्प्लेक्स, तो ये आयरन कोबाल्ट निकेल कौन एलिमेंट है ये फिक्स नहीं किया गया, एलिमेंट ई मान लिए हैं, देखिए EN भी बाइडेंटेट लिगेंड है, C2O4 भी बाइडेंटेट लिगेंड है, तो ये 2 है तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना हो गया 4, और 4 ये भी बाइडेंटेट लिगेंड है, 4 और 2 कितना हो गया 6, तो 6 तो इसका हो गया, तो यहां से यहां 6 दो जगह 6 है ठीक है, अब ऑक्सीडेशन नंबर आइए इसका -1 इसका -2 तो -3 तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा +3, -2 और -1
प्लस थ्री हो जाएगा, तो आप बताइए इसका ऑक्सीडेशन नंबर आपका कितना हो गया थ्री, तो सिक्स एंड थ्री ऑक्सीडेशन नंबर, बायरेक्टली लिगेंड है टू टू फोर, अब फोर और टू सिक्स कोऑर्डिनेशन नंबर, और आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर कितना नहीं आया थ्री, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए। अब बताइए द कोऑर्डिनेशन नंबर, फिर कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन, इसलिए आपको हमने सोचा कि आपको ऑक्सीडेशन नंबर थोड़ा बताते हैं, नेक्स्ट आपको बता देंगे ऑक्सीडेशन नंबर, जिससे आपको बेटर रहेगा आपके लिए, आप पढ़े होंगे बहुत अच्छा से पढ़ाए भी है लेवल में। कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन, बता इस क्रोमियम का बताना है, तो इसका सिक्स होगा, सिक्स यहाँ पे माइनस सिक्स, यहाँ पे प्लस थ्री, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस थ्री, ऑक्सीडेशन नंबर प्लस थ्री हो गया, और बायरेक्टली लिगेंड है तो थ्री को टू से मल्टीप्लाई कीजिए कितना होगा सिक्स, कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स है बायरेक्टली लिगेंड के कारण सिक्स हो गया, और ऑक्सीडेशन नंबर थ्री हो गया सिक्स एंड थ्री। इस तरह बहुत अच्छे अच्छे ऑब्जेक्टिव दिख रहे हैं सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर पे देख रहे हैं, इसलिए हम बताए ना आपको शुरू में पता पढ़ाते समय कि कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ईडीटी, तो केवल एग्जाम में भी पूछा गया है हेक्साडेटेड लिगेंड जिसका आप टिक लगाए थे सिक्स, तो इस तरह का आपको जानना जरूरी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ लिए डिफिनेशन पढ़ लिए जान के कोऑर्डिनेशन नंबर किसे कहते हैं, तो उसको कैसे पूछा जाता है एग्जाम में कैसे जवाब देंगे टू द पॉइंट, उस वैसा कंसंट्रेशन पे आपका ब्रेन वॉश होगा और अच्छे से क्वेश्चन आएंगे आपके सामने, इस तरह प्रैक्टिस कीजिए, आप कुछ ऑक्सीडेशन नंबर भी आप लोगों को सिखा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलिए आप लोग को ऑक्सीडेशन नंबर बताने जा रहे हैं, आप बताए थे ना ऑक्सीडेशन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर कहिए, और किसी भी कंपाउंड में सेंट्रल मेटल का आपसे ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जाएगा, आयरन कोबाल्ट निकेल कॉपर जिंक जिसका भी सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जाएगा, तो कैसे बताएंगे सर, तो सबसे पहले हम लोग ये जान ले कोई भी कंपाउंड आप लिखते थे पहले H2SO4 सिंपल कंपाउंड, तो टोटल कंपाउंड बराबर क्या होता है जीरो, तो टोटल कंपाउंड बराबर जीरो, किसी की ऑक्सीडेशन नंबर माइनस टू होता ऑक्सीजन का तो हम लोग क्या कहते थे माइनस एट, इसका हाइड्रोजन का प्लस वन तो क्या कहते हैं प्लस टू, तो आप इसका निकालना है तो इसको टू टू मान लीजिए, जिसका निकालना है उसको एक्स मान लीजिए, इसका माइनस टू होता है ऑक्सीजन का तो माइनस एट हो गया इक्वल टू जीरो, तो एक्स बराबर आप एट माइनस टू बराबर एक्स बराबर क्या कहें प्लस सिक्स, इसलिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन में क्या लिखते हैं प्लस सिक्स, जितना आपका सिक्स टू एट प्लस है तो एट माइनस है तब जितना प्लस उतना माइनस रहेगा तब टोटल कंपाउंड बराबर जीरो, यदि आपके पास माइनस एट है और यहाँ प्लस टू है तो सोचिए यहाँ पे कितना जेन देंगे जो टोटल कंपाउंड बराबर जीरो होगा, तो आप बोलिए ना प्लस सिक्स देंगे तब टोटल कंपाउंड बराबर जीरो होगा, तो ये पहला कंसेप्ट आपको रखना है कि हमको टोटल कंपाउंड बराबर क्या होगा जीरो पुराना है, और टोटल कंपाउंड बराबर जीरो तब होगा जितना प्लस उतना माइनस होगा तब टोटल कंपाउंड बराबर जीरो। हाँ, जैसे यहाँ पे H2S4 में टू हाइड्रोजन हटा देंगे तो आपके पास SO4 क्या आ जाएगा माइनस माइनस, तो किसी के ऊपर चार्ज आ जाए तो बराबर तब जीरो नहीं देना है, किसी के ऊपर चार्ज आ जाएगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर चार्ज के बराबर होगा, किसके बराबर होगा बोलिए चार्ज के बराबर होगा। अब इसका निकालना है तो इसको x मान लीजिए, इसका माइनस एट होगा माइनस टू, तो x बराबर एट माइनस टू एक्स बराबर क्या प्लस सिक्स, इसलिए सल्फर का यहाँ भी ऑक्सीडेशन नंबर प्लस सिक्स हो गया, तो आप यहाँ पे देखें कि पर एटम और सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस सिक्स हो गया, तो यहाँ पे आयन दे दिए, तो यहाँ पे ये सीखे ना किसी के ऊपर पे चार्ज रहे तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर चार्ज के बराबर होता है, यदि चार्ज नहीं रहे तो टोटल कंपाउंड बराबर जीरो होता है, तो आपको बताइए टोटल कंपाउंड बराबर क्या होता है जीरो, और चार्ज या आयन किसी के ऊपर रहेगा तो इसको क्या बोले इक्वल टू द चार्ज, उसका ऑक्सीडेशन नंबर चार्ज के बराबर होगा। देखिए सिंपल कंपाउंड हम लोग पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो आपको टोटल कंपाउंड इक्वल टू जीरो करना पड़ेगा, यदि चार्ज आएगा तो इक्वल टू चार्ज होगा, लेकिन आपको कुछ रूल बताए थे ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए, फर्स्ट ए ग्रुप का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस वन होता है, सेकंड ग्रुप का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस टू होता है, जैसे हाइड्रोजन सोडियम पोटेशियम सबका प्लस वन होगा, मैग्नीशियम कैल्शियम बैरियम सबका क्या हो गया प्लस टू हो गया, आपका सेवन ग्रुप क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये सबका माइनस वन होगा, सीएन का माइनस वन, ओएच का माइनस वन, एनओ टू का माइनस वन, एनओ थ्री का माइनस वन, ओ एनओ का भी माइनस वन, और डीएमजी का माइनस वन, डीएमजी मतलब डायमिथाइल ग्लैक्सीमेटो इसका भी माइनस वन होता है जब जैसा जरूरत रहेगा, लेकिन आप सबसे ज्यादा यूज कीजिएगा कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन में कितना होता है प्लस वन,
पोटेशियम का कितना होता है प्लस वन, जो ज्यादा यूज होगा। क्लोरीन का कितना होता है बोलिए माइनस वन। सीएन का कितना होता है बोलिए माइनस वन। जो ज्यादा यूज होगा उसको प्रैक्टिस करते करते आपको याद नहीं रखना पड़ेगा, ऑटोमेटिक याद रहेगा। अब बताओ ऑप्शन का माइनस टू एस फोर का माइनस टू और ऑक्सीजेट आयन जो सी टू फोर माइनस माइनस रहता है सी टू फोर माइनस टू। एस थ्री का जीरो और एस टू का जीरो, ज्यादा यूज होगा। एस थ्री का जीरो, एनओ का जीरो, सीओ का जीरो, एस टू का भी जीरो। इथाइलिन डायमिन बायरेटेन लिगेंड इसका भी जीरो, पायरेटिन का जीरो, ईटीए का माइनस फोर। तो आप जान गए तो टोटल कंपाउंड बराबर आपको क्या पढ़ना है जीरो। तो बताइए सर जी आप सेंटर मेटर सभी में किसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है बताइए, सेंटर मेटर का निकालिए। हम पूछेंगे सीएन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना तो क्या बोलेगा माइनस वन, तो छह सीएन का कितना हो जाएगा माइनस सिक्स, एक के का कितना होता है प्लस वन, फोर के का कितना होगा प्लस फोर। बताइए आपके पास माइनस सिक्स है यहाँ प्लस फोर है और कितना देंगे, जितना प्लस उतना माइनस पड़ेगा, तो बताइए यहाँ पे कितना देना पड़ेगा प्लस टू। तो आप बताओ ये फोर और टू सिक्स प्लस हो गया सिक्स माइनस, तब टोटल कंफर्म इक्वल टू जीरो कहेगा। इसलिए यहां पे आपको कहना पड़ेगा कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एफी सेंटर मेटल एफी है इसका ऑक्सीडेशन कितना हो गया प्लस टू। अब बताइए एक सीएन का भी पता है माइनस वन, सिक्स सीएन का माइनस सिक्स, एक के का प्लस वन, थ्री के का प्लस थ्री। बताइए माइनस सिक्स है प्लस थ्री है तो कितना बचा प्लस थ्री, तो प्लस थ्री प्लस थ्री सिक्स प्लस सिक्स माइनस हो गया। इसलिए आप बोलिएगा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एफ इज इक्वल टू प्लस थ्री। अब बताइए एस टू ओ का ऑक्सीडेशन नंबर जीरो, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर माइनस वन, थ्री क्लोरीन है माइनस थ्री, इसका जीरो, तो इसका जितना माइनस उतना प्लस प्लस थ्री। इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इज इक्वल टू प्लस थ्री। अब बताइए आपके पास एक क्लोरीन का माइनस वन जान रहे हैं, तो यहां पे टू क्लोरीन का माइनस टू, एक क्लोरीन का माइनस वन, टू एक थ्री माइनस हो गया। एनएस थ्री का ऑक्सीडेशन में क्या होता है देखिए जीरो होता है ना, तो अब पता माइनस थ्री हो गया तो यहां पे क्या हो जाएगा प्लस थ्री, टोटल कंपाउंड बराबर जीरो हो जाएगा। इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट बराबर प्लस थ्री, जितना माइनस उतना प्लस, टोटल कंपाउंड इक्वल टू जीरो प्लस थ्री हुआ। अब बताइए SO4 का ऑप्शन SO4 SO2 सभी का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है माइनस टू, SO4 का माइनस टू, EN इथाइलिन डायमिन EN का ऑक्सीडेशन नंबर जीरो माइनस टू, तो यहां पे क्या लिखेगा प्लस टू। इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर इज इक्वल टू प्लस टू। अब बताइए Cl क्लोरीन का माइनस वन, NH3 का क्या है जीरो है, तो माइनस वन, तो इसका क्या हो जाएगा प्लस वन। इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Ag बराबर क्या कहेंगे प्लस वन। पूछेंगे भी इस पे भी ऑब्जेक्टिव आपसे, बताइए C2H4 का माइनस टू होता है ना, C2H4 का माइनस टू, तो बताइए माइनस टू यहां पे हो गया प्लस थ्री यहां पे हो गया माइनस प्लस थ्री, तो यहां पे आपके पास यहां पे आपको थ्री थ्री मोल लीजिए कंपाउंड में, तो यहां पे थ्री मोल लीजिएगा तो यहां पे क्या हो जाएगा प्लस सिक्स। तो आप C2H4 का माइनस टू होता थ्री की थ्री C2H4 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस सिक्स, यहाँ पे प्लस थ्री हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस थ्री। इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस थ्री। आप बताइए प्लेटिनम निकालिए, यहाँ माइनस टू यहाँ माइनस टू, क्लोरीन का माइनस वन होता है, दो क्लोरीन का माइनस टू माइनस टू, एनएस थ्री का जीरो होता है तो माइनस फोर, तो यहाँ पे क्या होगा प्लस फोर। इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ प्लेटिनम इज इक्वल टू प्लस फोर। निकेल का माइनस फोर है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस हट जाएगा, तो इसके इसका ऑक्सीडेशन नंबर जीरो हो जाएगा। जैसे सर इसको एक्स माइनस इसका माइनस फोर बराबर माइनस फोर, तो सीएन का ऑक्सीडेशन नंबर माइनस वन होता है और फोर सीएन का माइनस फोर होगा, इस पर चार्ज कितना दे दिए हैं सर माइनस चार्ज दे दिए हैं। तो अब बताइए आप यहां पर x बराबर फोर माइनस फोर की जगह x बराबर क्या हो जाएगा जीरो ना, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा जीरो, निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर यहां पे क्या हो जाएगा जीरो, तो आप इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकेल इज इक्वल टू यदि पूछेंगे तो क्या बताइएगा जीरो। बताइए आप जान रहे हैं एस थ्री का जीरो होता है, क्लोरीन का पता है माइनस वन, तो फोर क्लोरीन का माइनस फोर, लेकिन इस दो कॉम्प्लेक्स पार्ट है तब क्या करेंगे सर, एक कॉम्प्लेक्स पार्ट ये एक कॉम्प्लेक्स पार्ट ये है, तो कुछ नहीं करना है। यदि ये माइनस फोर आया है तो माइनस फोर का दो सेंटर मेटल निकेल है, दोनों सेम भी हो सकता है डिफरेंट भी हो सकता है, या निकेल निकेल दोनों सेम मेटल है सेंटर मेटल, तो दोनों का 54 का 50-50 करो कितना हो जाएगा प्लस टू प्लस टू, ऐसे करके बनाइएगा प्लस टू आएगा। इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर दोनों की कंडीशन में ऑक्सीडेशन नंबर निकेल बराबर प्लस टू और ऑक्सीडेशन नंबर निकेल बराबर प्लस टू। अब बताइए
ये एक Cl का माइनस वन, Cl फ्लोरीन का माइनस वन होता है, थ्री क्लोरीन है माइनस थ्री, NH3 का जीरो हो गया, H2O का जीरो होगा तो माइनस थ्री, तो क्या हो जाएगा प्लस थ्री, इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ CO इक्वल टू प्लस थ्री। सर यदि हम एग्जाम में नहीं बना सके, हमको जल्दीबाजी में हम कंफ्यूज या कुछ याद नहीं है एक भी चीज और डिस्टर्ब हो रहे हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या किसका देंगे, तो कुछ ऐसा टिप्स बताइए। कुछ देखिए, जब भी आपके पास आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस टू होगा या नहीं तो कभी प्लस थ्री आएगा, सबसे पहले आपका ऑक्सीडेशन प्लस टू आएगा, यदि इसमें चेंजिंग करेंगे तब इसके पास प्लस थ्री आएगा। आप कभी भी कोवार्ड देखिए, कभी क्रोमियम देखिए, मैक्सिमम आपको 100% नहीं, जब भी आपको मिलेगा कोवार्ड क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर जब भी चेक कीजिएगा तो हमेशा प्लस थ्री आएगा। इसी कोवार्ड क्रोमियम के जगह पे सीयू लीजिएगा, जैसे ये सीयू ऐसे लिखेगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर आपका ज्यादा था प्लस टू होगा। प्लेटिनम का आपका प्लस टू प्लस फोर दोनों आता है, लेकिन ज्यादातर प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर आपको कैसा मिलेगा प्लस फोर मिलेगा, प्लस टू भी आता है लेकिन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर आप प्लेटिनम खोजेंगे तो आपका प्लस फोर। एजी आएगा तो एजी का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस वन आएगा। आपको ये चेक करना, चेक कीजिए, देखिए आयरन का ऑक्सीडेशन नॉर्मली लिखे प्लस टू, चेंज किए तो प्लस थ्री आएगा ना, यहां देख क्रोमियम है कोवार्ट है तो प्लस थ्री है कि नहीं, यहां देख क्रोमियम है, यहां पे आपके पास क्रोमियम है कोवार्ट है प्लस थ्री है कि नहीं, आप देखिए यहां पे आपके प्लेटिनम है प्लस फोर है, एजी है प्लस वन है, कॉपर है प्लस टू, इस तरह के एग्जाम्पल कॉमन है और आपको मिलेंगे। लेकिन एक ऐसा आपके पास बताने जा रहे हैं जो कि आपको बहुत ही डिफरेंट है, लेकिन आपको ध्यान देना होगा कहीं लगेगा किताब में लिखा गलत है, कहीं देखिएगा ऑब्जेक्टिव का चॉइस में गलत है, इसका ऑक्सीडेशन ये होना चाहिए नहीं, परफेक्ट क्या होगा आइए देखिए। आपने जबकि अभी आपने पढ़ा कि एनओ का ऑक्सीडेशन नंबर हमने पूछा तो क्या होता है, आपने बताया एनओ का जीरो होता है, रियली जनरली एनओ का ऑक्सीडेशन नंबर सही में जीरो होता है, लेकिन यहां पे एनओ का प्लस वन कर देंगे, ये क्यों कीजिएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा यहां पे नीचे, आपने एनओ का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस वन तब कीजिएगा इन आयरन कॉम्प्लेक्स द ऑक्सीडेशन नंबर एनओ इज प्लस वन। अब बताइए यदि ये Fe है, ये सेंटर मेटर आयरन है और यहां पे एनओ लगा हुआ है, एनओ का ऑक्सीडेशन नंबर जीरो होता है, लेकिन आयरन के साथ यदि एनओ लगा रहे Fe के साथ एनओ लगा रहेगा तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस वन हो जाएगा, यहां पे प्लस वन हो जाएगा, SO4 का भी पढ़े माइनस टू पढ़े, यहां पे माइनस फाइव पढ़े, और सोडियम का प्लस वन होता है तो फोर सोडियम का प्लस फोर हो जाएगा। अब बताइए माइनस फाइव माइनस टू माइनस कितने होंगे आपके पास, सेवन हो गए, अब फोर और एक फाइव प्लस है तो फाइव प्लस में और कितना प्लस देंगे जो आपका प्लस टू हो जाएगा, यही होगा, इसलिए यहां पे आप x करके भी बना सकते हैं, आप x बनाइए तो यहां पे आप देखिएगा 4 है, यहां पे x मानिए, यहां पे आप माइनस फाइव मानिए, यहां पे प्लस वन मानिए, यहां माइनस टू इक्वल टू जीरो, तो आप x बराबर बोलेगा फाइव टू सेवन, और सेवन माइनस आपके फोर एक फाइव हो गया तो कितना हो जाएगा x बराबर आपके पास प्लस टू का, ठीक है, तो यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर प्लस टू हर कंडीशन में आपके पास प्लस टू, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज जाने कि आयरन एपी के साथ यदि एनओ लगा रहे हैं ऐसे केस में एनओ का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है प्लस वन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आपको निकालना था एफी, एफी का प्लस टू, तो आपने पहले से सिखा दिया शॉर्ट के स्टाइल में एफी का ऑक्सीडेशन प्लस टू होगा, चेंजिंग कीजिएगा तब प्लस थ्री आएगा, जब भी कोवार्ड क्रोमियम आएगा तो ऑक्सीडेशन नंबर आपका प्लस थ्री मिलेगा, प्लेटिनम का प्लस टू प्लस फोर दोनों मिलेगा, ज्यादातर प्लस फोर मिलेगा, कॉपर तो प्लस टू मिलना ही मिलना, एजी प्लस वन मिलना ही मिलना है, तो आप ऑक्सीडेशन नंबर इन्हीं सब के द्वारा ही आपको बार बार एग्जाम में पूछा जाएगा, आप रूल से निकाल लीजिए, थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस कीजिए कि फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप किसका माइनस होता है, किसका प्लस टू होता है, किसका जीरो, सिंपली इतना सा रखिए और आप निकाल के देखना चाहिए, चेक करना चाहिए, नहीं तो ये भी आप दिमाग में रहा तो आप उसे चेक कर लीजिएगा मेरा सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस तरह ऑक्सीडेशन नंबर निकालने से आपको आगे बहुत सारा चीज में यूज होगा, आईपीसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हाइब्रिडाइजेशन निकालने में, किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पे जब जाइएगा और किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का सेंटर मेटल ऑक्सीडेशन नंबर गलत आ गया तो आपका इस चैप्टर में बाकी चीज क्या होने के और कुछ चैप्टर में बहुत ही गलत हो सकता है, इसलिए ऑक्सीडेशन ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीडेशन टोटल कंपाउंड इज टोटल जीरो और किसी पे चार्ज रहे तो ऑक्सीडेशन चार्ज के बराबर होगा,
इस बेसिस पे कुछ रूल है, इस बेसिस पे आप टोटल कंपाउंड वैल्यू जीरो मिलाइए या चार्ज के बराबर कीजिए, इस तरह आपका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके, ठीक। अब आप देखिए एडी नंबर ऑब्जेक्टिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन। जैसे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछे, यहां K3 हो गया तो 6 में 3 गया, कितना बचा 3। कैसे यहां पर -6 हो गया सर, यहां +3 हो गया तो -3 तो +3 तो +3 तो +6 +6 माइनस होता, Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ +3। तो अब बताइए CO, जैसे CO आ जाएगा तो जल्दी आप जानिए का ऑक्सीडेशन नंबर पहले भी सिखाया था शॉर्टकट में, आप सोच लीजिए CO हो Cr हो सर ज्यादा था +3 होता है, चेक कर लीजिए NH3 का 0 होता है, इसका -3 होगा तो इसका कितना हो जाएगा +3। तो बताइए द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट इन द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जाए कितना, बोलिएगा +3। अब बताइए CO का 0 तो Na का भी 0, तो बताइए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकेल इन निकेल का और कितना ऑक्सीडेशन नंबर होगा तो 0 होगा। अब बताइए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन का बताइए, जैसे आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर जनरली आयरन का ऑक्सीडेशन +2 होता है, चेक कर लीजिए इसका, आपको बताए थे अभी Fe के साथ यदि NO लगा रहे हैं तो NO का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है +1, SO4 का कितना होता है -2, HCl का -5, CN का कितना होगा -5, तो एक सोडियम का +1, 4 सोडियम का +4, तो 5 to 7 माइनस है तो 7 प्लस चाहिए, 4 एक 5 प्लस है, 5 प्लस और 2 प्लस कितना हो गया 7 प्लस, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा +2। जब भी आपको हीमोग्लोबिन या कोई भी चीज जनरल केस में आपको पूछा जाए हीमोग्लोबिन या किसी केस में आयरन का ऑक्सीडेशन में क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बताए थे सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर आयरन का कितना बोलेगा +2। तो हीमोग्लोबिन में आपके पास ब्लड में जो हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन दो चीज रहते हैं, तो हीमोग्लोबिन में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या बोलेगा +2 होगा। फिर उसी तरह कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देखिए Fe के साथ NO लगा रहे तो NO का ऑक्सीडेशन नंबर कितना बताए थे +1, SO4 का -2, इसका 0 -2 +1 तो इसका +1 हो गया, तो ऐसे केस में कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए तो इस केस में Fe का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है। इसलिए बहुत एक्सेप्शन केस है, इसमें बच्चे लोग NO का यदि यहाँ पे 0 सोच लेंगे तो यहाँ पे +2 बोल दीजिएगा तो गलत हो जाएगा, याद रखिएगा Fe के साथ NO लगा रहेगा तो NO का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, ऐसे केस में यहाँ पे Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया +1। तो आपने देखा -2 +1 +1 +2 -2 हो गया कि नहीं, तो ब्राउन रिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज फॉर्मुलेटेड एज, इस कंपाउंड का एक ब्राउन रिंग टेस्ट जो देता है तो उसमें आपके पास इसमें आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन का कितना होगा तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना मिलेगा +1। इस तरह आप जब जान लीजिए किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के किसी सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर का जवाब देना बहुत जरूरी है। कुछ प्रैक्टिस है, कुछ साइड में है, कुछ घर में बैठ के एक ही कंपाउंड रख के साइड में किसका 0 है किसका +1 किसका +2 किसका -1 किसका -2 आता है सब कुछ जान के टोटल कंपाउंड बराबर 0 बनाइए, किसी पे चार्ज है चार्ज के बराबर कीजिए और किसी कंप्लेक्स कंपाउंड के इस तरह सेंटर मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। हर कंडीशन को सब प्रैक्टिस कीजिए घर में, एक ऑक्सीडेशन नंबर आगे आपके पास बहुत चीज में हेल्प करेगा। बताते समय हम डायरेक्ट बोलेंगे इसका ऑक्सीडेशन +2 कैसे निकाले सर वो भी बता देंगे जब जब पूछेगा, लेकिन आप बताइए इसको आप जान लीजिएगा तो आपके पढ़ने का स्पीड आपके ज्यादा आ जाएगा। ऑक्सीडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट डे से आगे हम बताएंगे, ओके।